हाय फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम एक वेक्टर क्लॉक बनाना आपको बताएंगे कि किस तरह से एक वेक्टर क्लॉक बनाया जा सकता है, इसमें उसके लिए किस किस टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या ग्राफिक आइडिया चाहिए, तो वो सारी चीज़ इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे। देखिए, ये आपके स्क्रीन के सामने एक क्लॉक दिखाई गई है। इस तरह का हम चाहते हैं कि वैक्टर ग्राफिक क्लॉक हम कॉर्डो में डिजाइन करें, तो हम कैसे करेंगे, तो हम शुरू होते हैं इसको बनाने के लिए। एक सर्किल ड्रॉ करें। सर्किल का जो अप्रॉक्स जो विड्थ है और हाइट है 3-3 कर लीजिए। और इसी के बाद में क्या करें, देखिए कीबोर्ड में जो प्लस की है, आपको पहले बताया था कीबोर्ड में जो प्लस की है न्यूमेरिक की है, उसको प्रेस करें, इसका डुप्लीकेट हो जाता है। जो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, जो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड है, उसका साइज 2.9 करें इस तरह से, बिल्कुल 2.9 करना है इस तरह से आपको। अगेन इसका प्लस करें, इसका कर दीजिए आप 2.7 और 2.7 इस तरह से। प्लस करें अगेन इसका 2.6 2.6, वापस से प्लस करें 2.4 2.4, अगेन इसका प्लस करना है 2.3 2.3 प्लस, और एक और प्लस कर दीजिए, इसके बारे में बाद में देखेंगे। तो इस तरह से सर्किल बनाएंगे, यानी कि एक तरह से ये 7 सर्कल्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6, और एक हमने उसी के ऊपर प्लस किया था, इसलिए 7 सर्कल्स है। इन सभी सर्कल्स को एक साथ सेलेक्ट करें और उसमें बाय डिफॉल्ट वाइट कलर फिल कर दें। वाइट कलर के लिए कलर प्लेट जाए और लैक बटन क्लिक कर दें कलर प्लेट पे, तो उसमें वाइट कलर फिल हो जाएगा बिल्कुल। अब देखिए, इसी के साथ में देखिए, यहाँ पे देखिए एक्चुअली एक ब्लैक कलर का सर्किल देख रहे हैं आप बिल्कुल, यहाँ पे हम उसी की बात करते हैं। ब्लैक कलर का सर्किल है तो हम भी यहाँ पे एक ब्लैक कलर का सर्किल ड्रॉ करते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको जो फर्स्ट सर्कल है उसमें आप बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर फिल कर दें, ठीक, आपका सर्कल बन जाए। अब हम बात करते हैं इस ग्रे सर्कल के लिए, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करें, ये सेकंड सर्किल सेलेक्ट हो जाएगा और इसमें अप्रॉक्स 50-40% के करीब ग्रे कलर इस तरह से फिल कर दें, 50-40 50-40। तो ये मैंने ग्रे कलर फिल कर दिया इसमें। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए, ये रिंग बनाया हुआ है, इसको हम कैसे बनाएंगे समझ लीजिए आप। इस थर्ड सर्किल को सिलेक्ट करें और सिर्फ दबा के प्रेस करें और फोर्थ सर्किल को सिलेक्ट कर लें इस तरह से, और अरेंज जाके इसको कंबाइन करें, कंट्रोल एल से भी कर सकते हैं कंबाइन इस तरह से। तो देखिए, ये एक कंबाइन हो गया, ये सर्कल कोई भी कलर एक बार वैसे फिल कर ले, इस तरह से कंबाइन हो गया सर्कल। इस तरह से आपको क्या करना है, सर्किल को कंबाइन करना है। हमें जो सेटिंग बनानी है वो इस तरह की सेटिंग बनानी है, मैं बता देना चाहता हूँ आपको। ये देखिए, ये एक रिंग है और इधर से आपको व्हाइट दिख रहा है, यहाँ ट्रांसपेरेंसी हुआ, यहाँ से आपको व्हाइट दिख रहा है। तो मैं क्या करूँ, इस ग्रीन कलर को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं और बाय डिफॉल्ट इसमें एक बार मैं वाइट कलर फिल कर लेता हूँ इस तरह से, या कोई भी ग्रे कलर भी ले सकते हैं आप थोड़ा इस तरह से। आउटलाइन रन कर दीजिए यहाँ से, तो ये एक आपका एक रिंग बन गया। अब आपको इस तरह से देखिए, बॉटम साइड देखिए, टॉप साइड इस तरह से एक ट्रांसपेरेंसी करना है। ट्रांसपेरेंसी के लिए आपका देखिए, यहाँ पे आपका ट्रांसपेरेंसी टूल है, हल्का साइज पर क्लिक करें और अपर साइड में इसको ड्रैग करते हैं इस तरह से, आपने ड्रैग कर दिया इस तरह से, आपने ड्रैग कर। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ब्लैक कलर को फिल, बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर को फिल करें, पिक करें, सॉरी यहाँ पर ड्रॉप करें, अगेन ब्लैक कलर को पिक करें और यहाँ पर आप ड्रॉप कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू है, ट्रांसपेरेंसी मिड पॉइंट अभी 0 है,
मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ट्रांसमिट पॉइंट 100 है, इसको मैं जीरो कर देता हूँ। तो देखिए इस तरह से, देखिए इस रिंग बना हुआ आपका इस क्लॉक में, एक इस तरह से एक रिंग बन गया आपके पास में। एक दो बार ट्राई करिए, आपका रिंग बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कलर जो भी आप फिल करना चाहें, आप अपने कोई कलर फिल कर सकते हैं, जिस भी कलर की रिंग बनाना चाहें वो आप अपने कोई यूज़ कर सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दो बार प्रैक्टिस करेंगे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो इस तरह से कि बना लीजिए। ओके नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये दो सर्कल्स यानी ये दो ड्रॉ किए हैं, सेलेक्ट करें यानी शिफ्ट के साथ, तो शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है आपको। इस सर्कल पर क्लिक करें, फिर शिफ्ट के साथ दूसरे सर्किल पर क्लिक करें, दोनों सर्किल सेलेक्ट हो गया है देखिए यहाँ पे। और इसको यहाँ पे अरेंज करके इसको भी आप कम्बाइन कर लो। देखिए मैंने इसको भी कम्बाइन कर लिया। थोड़ी देर के लिए मैं इसमें कोई बाई डिफॉल्ट कलर भर लेता हूँ, इस तरह से आउटलाइन को नन कर लेता हूँ। माउस का राइट बटन इस बटन पे क्लिक करें, आउटलाइन नन हो जाएगा। इस तरह से एक सर्कल बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, वही अगेन ट्रांसपेरेंसी टूल लीजिए, यहाँ से पिक करिए, इस तरह से आप ड्रैग कर दीजिए बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल देखिए यहाँ पे आपका 100 है, यहाँ पे आपका 0 है। यहाँ पे देखिए थोड़ी देर के लिए वही ब्लैक कलर पिक करके ड्रॉप करता हूँ, यहाँ पे यहाँ भी ब्लैक कलर के पिक करके ड्रॉप करता हूँ, पोजिशन ये आ रही है। यहाँ पे कलर आपका ग्रीन है, चेंज कर देता हूँ, ग्रे ले लेते हैं 10%, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 100 था, इसको मैं 0 कर देता हूँ। यहाँ से भी आपके सामने शो हो रहा है कम्प्लीटली, यहाँ पे देखिए इस तरह से। अब आपको क्या करना है, इसी कंडीशन में सेलेक्ट करें टूल फाउंटेन फिल लाइनर है बाय डिफॉल्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए, कलर जो भी आपको चाहिए तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, 40-50-60% के करीब। ओके करिए, ओके करते हैं कि यहाँ पे वो कलर मिक्स हो गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। अब इस सर्किल को सेलेक्ट करें, देखिए सर्किल फाउंटेन फिल में लाइनर है, -90 रोटेट करिए, कलर जो भी आप यहाँ से लेना चाहें ओके करें। इस तरह का सेटिंग बन रहा है, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं वहाँ पे कलर्स वगैरह, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है। वापस आइए, इसमें थोड़ा सा वाइट कलर बाई डिफॉल्ट ना रखें, इसमें 20-30% आप ग्रे कलर फिल कर दीजिए, इस तरह से आ जाएगा वह सेटिंग्स। इस तरह से आप चाहें तो इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप चेंजेस कर सकते हैं। करना है कि आपको फाउंटेन फिल में जाना है, यहाँ पे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है सेलेक्ट करें, जैसा भी आपको चाहते हैं कलर सेलेक्ट करें, ओके करें। इस तरह से कलर सब चेंज हो गए होंगे, आप मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी कलर को आप अपने अकॉर्डिंग। ब्लीडिंग मैंने सेलेक्ट किया, इसको चाहूँ तो मैं इसको वापस से मॉडिफाई कर सकता हूँ। ब्लीडिंग ने टूल दिया, यहाँ पे इसका रेंज किया है, यहाँ पे देखिए 0 है मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं है। मैं चाहूँ रेंज इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, इस तरह से नहीं रखना, नहीं हटा भी सकता हूँ, इस तरह से कलर्स चूज कर सकता हूँ यहाँ से, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है इस तरह से वो चाहे मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो आप बार बार ट्राई करें, आप बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करें और इसमें कलर फिल करें, यहाँ से फाउंटेन फिल, इसमें आप ऑन रेडियल ले लीजिए और यहाँ पे कोई भी लाइट शेड ब्लू टाइप का ले लीजिए थोड़ा। इसको जो आप देख रहे हैं आप इसको तो आप पिक करके ट्रैक करें नीचे साइड में, ओके करें। तो यहाँ पे कलर फिल हो गया, आउटलाइन आ रहा ब्लैक कलर का, यहाँ पे आप क्लिक करें तो आउटलाइन आपका नन हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद में क्या करना है आपको, सर्किल को
करना है क्या आपको, ये सर्किल में कंट्रोल चार्ट ड्रॉ करें इस तरह से, बिल्कुल एच एक्स सर्कल इस तरह से ड्रॉ करें। और ड्रॉ करने के बाद या तो एक बार कलर नन कर दीजिए, एक और सर्किल ड्रॉ करें प्लस किया मैंने, थोड़ा सा सर्किल मैंने स्ट्रेच किया इस तरह से, दोनों सर्किल को मैंने सेलेक्ट किया, रीअरेंज कंबाइन। अब कंबाइन करने के बाद में करना क्या है एक्चुअली, सेलेक्ट करें एडिट कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम फिल एक्टिव, यहाँ पे ओके करें और ये जो कलर भरा है इसी के ऊपर क्लिक कर दें, आउटलाइन रन कर दें एक बार। देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, सिर्फ पुश करके रखें, सर्किल को सेलेक्ट करें इस पर क्लिक करें सी और की का, तो देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गया। और हुआ क्या, थोड़ा इसका जो ग्राफिक ले लुक आना चाहिए वो सही नहीं है, तो वापस सेलेक्ट करें और इस पर यहाँ से मिरर कर, तो देखिए इस तरह से एक सर्किल बन गया इस तरह से। इसको आप चाहे तो अपने हिसाब से और मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे आपका रिक्वायरमेंट वैसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह से। ओके नेक्स्ट आते हैं, देखिए कि जो आपका इनर सर्किल है ये, इसको सेलेक्ट करें, ये वाले को आउटलाइन करें इसके, और हल्का सा आउटलाइन ऐसे इसके आउटलाइन को थोड़ा सा 2.3 समथिंग कर दें, तो इस तरह से इसको रिंग टाइप में बन जाएगा, तरह से जितना आप चाहते हैं आप अपने को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जितने आपके रिक्वायरमेंट है यूज़ कर सकते। नहीं चाहिए तो जो भी नहीं आप रखें वो डिपेंड आपके ऊपर, जितना चाहें आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखिए जो ये आपके जो इसमें जो छोटे छोटे सिंबल्स बने हैं, लाइन्स बनी हुई हैं, अगर आप ये लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें बता रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए व्यू में जाइए, स्नैप टू गाइस और स्नैप टू ऑब्जेक्ट को एक्टिव कर लें। इसके बाद में देखिए यहाँ पे आइए, आप डीजे टूल को सेलेक्ट करें या फ्रेन को ले सकते हैं, फ्रेन अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर सिंपल सा एक यहाँ पे लाइन का सिंपल बनाए, ये आपका यहाँ पे मिड पॉइंट आ जाएगा, पर मिड पॉइंट से पहले एक्चुअली क्या हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा कि इसका मिड पॉइंट कहाँ है कहाँ नहीं है इसका, यहाँ से तो यहाँ से गाइडलाइन पिक करके यहाँ पे गाइडलाइन को ड्रॉप कर लें इस तरह से, ये और ये गाइडलाइन आपने बना दिया, तो थोड़ा जूम कर लें एक्टिव से इस तरह से, और यहाँ पे आप एक हल्का सा छोटा सा लाइन बनाए इस तरह से, ठीक है। वापस से F3 कर लें रिड्यूस करने के लिए, लाइन का साइज अगर आप लगता थोड़ा कम है सेलेक्ट करें इस तरह से, वो लाइन का साइज यहाँ पे जो उसका वेट है बंद करके देखें, अगर वन भी आपको कम लग रहा है तो आप अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से लाइन का साइज आप अपने हिसाब से जो भी वेट होता है ये सेट कर सकते हैं इस लाइन का, जितना आप चाहिए इस तरह से, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है यहाँ से उसका जितने वो सेट कर सकते हैं। देखिए हमने एक लाइन बना दिया, ठीक है, लाइन को सेलेक्ट करें और लाइन को डबल क्लिक करें, और इसका जो अब देखिए सर्किल छोटा सर्किल देख के इस मिड पॉइंट को पिक करके और यहाँ पे जो सभी सर्किल मिड पॉइंट है यहाँ पे ड्रॉ करें। अब ये छोटी छोटी लाइन्स हमें ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए क्या करना है कि हमें एक सर्किल में 360 डिग्री होते हैं, तो यहाँ पर हम 360 डिग्री लिखते हैं, और ऐसा हमारा कोई देखिए यहाँ पे करीब ऐसी छोटी छोटी 60 लाइंस बनी हुई है, अगर काउंट करेंगे तो 360 डिवाइड बाई 60, तो यहाँ पे करीब 6 डिग्री आता है कि हमें इस लाइन को रोटेट करना है 6 डिग्री पर। रोटेट करने के लिए प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं, यहाँ पे रोटेशन में आइए, यहाँ पे 6 डिग्री राइट करें और अप्लाई डुप्लीकेट करें, जो है अप्लाई डुप्लीकेट करेंगे इस तरह से रोटेट होती चली जाएगी लाइन्स।
इसी के साथ में देखिए यहाँ पे जो देखिए कुछ आप देख रहे हैं कि ये कुछ हाउस के ऊपर बिग लाइन्स हैं, ये हाउस के ऊपर बिग लाइन्स हैं यानी इसका बिग बड़ा है, तो हम भी इसी तरह लाइन बनाते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि हाउस के ऊपर वाली लाइन को लेते हैं और इसको थोड़ा सा विड्थ वाइज बड़ा कर देते हैं, इस तरह से इसका जो साइज़ है थोड़ा सा मोटा है इसको बड़ा कर देते हैं। और चाहे तो आप और बड़ा कर सकते हैं, आप बीच में फ्लैट ले सकते हैं 2.5 इस तरह से, ठीक है। इसके बाद में देखिए एक्चुअली पूरे सर्किल के अंदर 12 हावर्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 12 हावर्स है तो 360 डिवाइड बाई 12 करेंगे, यानी 360 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट वैल्यू आएगी मैं बता देता हूँ। यानी वापस हम वो कैलकुलेटर यूज़ करें, 360 डिवाइड बाई 12 हमें 30 डिग्री पे एक लाइन को रोटेट कर देंगे। तो देखिए अभी हम बात कर रहे हैं कि जो हमने लाइन की है उसको 30 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं। 30 डिग्री पे रोटेट करने से क्या होगा कि एक्चुअली देखिए वापस हम करते हैं इसको सेलेक्ट करते हैं इसको थोड़ा इस तरह से, तो इस तरह से सेलेक्ट करते हैं और इसके इसका मिड पॉइंट देख लेते हैं सेंटर में है और वहाँ पर हम 30 डिग्री राइट करके और अप्लाई डिप्लेट कर देते हैं इस तरह से। तो ये सारी लाइंस ड्रो हुई। ओके, इसके बाद में आती है नंबर की बारी आती है। नंबर्स जैसे इस ब्लॉक में नंबर लिखने हैं तो आपको भी यहाँ पे नंबर राइट करने होंगे, तो उसके लिए हम नंबर राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए टैक्स टूल लीजिए और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नंबर ले लीजिए। इसका साइज़ आप अपने हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, फोन्स वगैरह देख सकते हैं, कोई सा अच्छा सा फ़ोन यूज़ कर सकते हैं आप, इस तरह से साइज़ थोड़ा सा आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आपके रिक्वायरमेंट सेलेक्ट करें। और इसके बाद में अरेंज में जाएँ उसको ब्रेक कर दें, तो ब्रेक करने के बाद में क्या सारे नंबर्स सेपरेट हो जाएंगे और इन नंबर को आप पिक करें और जहाँ इनकी पोजिशन वहाँ पर आप इनको ड्रॉप करें। और ड्रॉप करने से पहले देखिए एक्चुअली जिसमें कमांड हमने लगा रखा था वो थोड़ा सा हटा दीजिए, वो प्रॉब्लम करेगा इसमें टू गाइड्स और इसमें टू ऑब्जेक्ट्स वो हटा दीजिए, वो थोड़ा सा के बाद वो प्रॉब्लम करेगा। और ये जो नंबर आपने राइट किए हैं इनको इनकी पोजिशन दे दीजिए इस तरह से, इस तरह से आप पोजिशन दे दीजिए इस तरह से, इनको जहाँ जहाँ जगह वहाँ वहाँ लगा दीजिए या ड्रॉप कर दीजिए। बहुत ईजी है, यू कैन डू। ये देखिए प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इस तरह से एक एक लेटर्स को यूनिक नंबर जो भी है उसको आप इनका पोजिशन सेट करें। इस तरह से और बहुत ईजी है और आप कर सकते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हम इसके बाद की बात करते हैं। इसमें देखिए इसमें 3 हैंड्स है, आप देख रहे हैं 3 हैंड्स यानी एक सेकेंड्स के लिए, एक मिनट्स के लिए है और एक हाउस के लिए। ये भी आपको ड्रॉ करना होता है, और बहुत ईजी कंट्रो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिए इस तरह से, जूम किया, जूम करने के बाद में ये सर्किल ड्रॉ करना है बिल्कुल इस तरह से। उसको सर्किल को ड्रॉ करें कंट्रोल के साथ में या शिफ्ट के साथ में, सिर्फ
बाद जो हमने एक सर्किल बनाया है इसका थोड़ा ये की तरह तुम थोड़ा नन कर देते हैं, उसको सेलेक्ट करें और उसको शिफ्ट दबा के रखें और इस सर्किल को सिलेक्ट करें और सी और रिप्लेस कर देते हैं, तो जिससे क्या होगा कि इस सर्किल के सेंटर में आ जाएगा बिल्कुल। और सेंटर में आने के बाद में करना क्या है कि हमें थोड़ा सा यहाँ पर जाइए, आप देखिए काउंटिंग फील्ड में जाइए और यहाँ से इसको रेडियल कर दीजिए और इसी कंडीशन में आप ओके कर सकते हैं। जो ओके कर दिया, आउटलाइन थोड़ा सा इसका आउटलाइन कर देता है वो थोड़ा सा आप अपने कोई भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे आउटलाइन का विथ वगैरह वो चेंज कर सकते हैं, यानी मेरे को टू नहीं चाहिए, वन चाहिए, वन कर सकते हैं चाहिए ओके। इसी के बाद में देखिए एक्चुअली एक देखिए ये आपका सेकंड्स का हैंड बना हुआ है, ये जो मैं ड्रॉ करना हुआ सेकंड्स का हैंड, तो इसके लिए कोई आप ये सर्किल सेलेक्ट करिए, कीबोर्ड में से न्यूमेरिक कीपैड में से प्रेस प्रेस करें, शिफ्ट के साथ इसको एनलार्ज करें एंड बड़ा करें इस तरह से, और कलर्स थोड़ी देर के लिए इसमें रेड कलर फिल कर दें। अब देखिए हुआ क्या, एक्चुअली जो आपने रेड कलर फिल किया तो हुआ क्या कि एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट बाद में बनाया था और वो पहले बनाया था, तो इसको उसके डिजाइन देने के लिए आप अरेंज में बैकग्राउंड कर दीजिए बैकग्राउंड ये देखिए। इसके बनाने के बाद में आपको करना क्या है कि यहाँ से आप बीजे ले सकते हैं, फ्री ले सकते हैं, बीजे टू ले लेता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ इस तरह से, और मैं सेकंड्स की स्विच बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सेकंड्स की स्विच बनाने जा रहा हूँ इस तरह से, यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए रख सकते हैं सेकंड्स के लिए। इस तरह से सेफ टूल लेके आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा प्रॉपर वे में इसके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इन दोनों को भी वापस ले लीजिए और उनको भी ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से, इसमें कलर फिल हो गया ज्वाइन करते हैं। लगता है प्रॉपर सी कलर जो करने का वापस से भी सेफ लिए क्या करने के लिए उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, सी किसी चीज जैसे स्टेजिंग करने के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए मिडल्स को सिलेक्ट किए हैं, इसको डिजाइन को सेकंड वाले हैंड को सिलेक्ट करें, सिर्फ प्रेस करें और जो सर्कल्स है इस सर्कल को सिलेक्ट करें और अरेंज में और इसको वेल्ड कर दीजिए। प्रॉपर वेल नहीं हो पाया है ओके हो गया ठीक है, और इसका आउटलाइन थोड़ा सा रन कर देते हैं, लेकिन एक तरह से सेकेंड्स का आपका फिंग बन गया। इसके बाद में क्या करना है वापस देखिए, अब आपको हाउस पैटर्न बनाना है उसमें हाउस है और ये मैच करना है उसके थोड़ा सा रन कर लिया इस तरह से, इसके बाद में क्या करना है तो आप चुन लीजिए बीजे चुन लीजिएगा इस तरह से, जो हाउस वाला है वो ड्रो करें इस तरह से, आप चाहें तो जूम करके सेव कर दे उसको सेव कर सकते हैं इस तरह से, आप जैसे चाहें वैसे ही मॉडिफाई कर सकते हैं। सेट करें प्रॉपर सेट
तो कुछ ही देने के बाद में वापस से नीचे की साइड में ग्राफिक्स एक बने, इस तरह से कुछ करेक्शन करना है सेट को से आप करेक्शन कर सकते हैं इस तरह से दो तीन से देखिएगा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है देखिए ये आपका सेलेक्ट हो गया, सिर्फ दबा करके ये सर्कल सेलेक्ट करिएगा और सिर्फ दबा करके ये सेव सेलेक्ट एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, रीजन कुछ है इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद में अरेंज में आएंगे उसको वेल्ड कर दीजिएगा आप इस तरह से, ये आपका वेल्ड हो गया। वेल्ड होने के बाद में देखिए एक्चुअली इसमें इस तरह से वेल्ड हो गया है इस तरह से, थोड़ा एक काम वो करना है आप विंडो में जाइएगा और यहाँ पे डॉकर्स है, डॉकर में आप देखिए तो यहाँ पे फ्लैट लॉक क्लिक करिए और मैं तो लेके अप्लाई कर देता हूँ ऐसे ओके करते हैं ये इस तरह से सेव बनने के बाद में क्या करिए आप सेव को लीजिए, इनको आप सेलेक्ट करिए और नज की से या एरो की से आप चिपका अंदाज करना चाहिए यहाँ से कर सकते यू कैन प्रॉपर लगे तो उसमें ग्रे कलर पे कर दीजिए तो 60-50% इस तरह से आप इन्हें अपन कर दीजिए। अब आपको क्या करना है यहाँ पे आइए ऑर्डर बैक वन पेज डाउन भी कर सकते हैं कंट्रोल पेज डाउन वो नीचे लेना है कंट्रोल पेज डाउन करिए कीबोर्ड से और पेज डाउन कंट्रोल पेज डाउन ये इस तरह से आपका कंट्रोल पेज डाउन से इस तरह से नीचे चला जाता है एक तरह से आपने एक हॉर्स वाला हैंड बना दिया। अब आपको बनाना है नेक्स्ट वाला हैंड, उसके लिए क्या करना है आपको देखिए मैंने कहा था कॉपी जो मैंने कहा था ये जो स्टार्टिंग जो सीट थी उसको कॉपी करके रखना था आप उसी को पेस्ट कर दीजिए जो आपने कॉपी करके रखा कंट्रोल वी से पेस्ट करें ये सिर्फ वापस से पेस्ट करें हल्का से इसको क्लिक करें और उसको इस तरह से बार रोटेट कर दें इस तरह शुरू अंडू करें कंट्रोल जेड से जो आप देखिए छोटा सर्किल आ रहा है इसको क्लिक करके सर्किल के बीच में ड्रॉप करें केयरफुली और इसको क्लिक करके हाँ रोटेट कर दें इस तरह से देखिए ड्रॉप कर इसको कंबाइन तो कर सकता नहीं जाके आप सेफ्टी सेटिंग वेल्ड हो चुका है कोई दिक्कत नहीं सेफ को लें तो सेफ टूल से पहले आप इसको देखिए यहाँ पर आए अप्लाई कर दें ओके करें इस तरह से सेफ टूल लें और इसकी सेफ टूल लास्ट कर दें इस तरह से सीरी ग्रे कलर फिल करते हैं आपको 50-60 जो भी आपका जो रिक्वायरमेंट है इस तरह से इसको भी वो डिजाइन करें ऑर्डर ये देखिए पेज वन बैक वन चल कंट्रोल पेज डाउन करें सेलेक्ट करेंगे तो कंट्रोल पेज डाउन हो जाएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं कंट्रोल पेज डाउन इस तरह से हो गया कंट्रोल पेज डाउन इस तरह से। अब आपको क्या करना है देखिए इस मेन जो यहाँ पर बना हुआ पहले से एक लुक है उसमें देखिए मिरर्स के साथ में यानी कि हैंड्स के साथ में देखिए कुछ सेडिंग्स आ रहा है ये आपको सेडिंग क्रिएट करना है ठीक है कैसे करेंगे देखिए जूम करिए और जूम करिए आप जो सेकंड्स का हैंड है इसको सेलेक्ट करें प्लस की प्रेस करें ठीक है प्लस की प्रेस करें प्लस की प्रेस करने के बाद में देखिए इसका डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बन गया उस पर क्लिक करेंगे तो ये सेंटर पॉइंट है यानी छोटा सर्कल है इसको सेलेक्ट करें और बिल्कुल इसके सेंटर में हल्का सा एक्यूरेट ड्रॉप कर दें इस तरह से हल्का सा रोटेट कर बिल्कुल हल्का सा रोटेट कर इस तरह से आपके सामने आ जाएगा इस तरह से
और इसका यहाँ से कलर चेंज कर दे इस तरह से, और देखिए वो थोड़ा सा हल्का सा इससे जो रेड कलर का जो हैंड्स है इससे बैक करने के लिए अरेंज हो जाए बॉर्डर, और ये देखिए बैक हो गया। देखिए वैसे आप यहाँ पे आए, हाउस वाला है यहाँ पे आए, इसका भी आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद में वो एक बार क्लिक करें, हल्का सा रोटेट करें, बिल्कुल हल्का सा शरीर इसको जो आपका ये कि जो सर्कल है छोटा सा इसका सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉप करें, हल्का सा रोटेट करें, बिल्कुल हल्का सा रोटेट करें इसको, हल्का सा बिल्कुल रोटेट करना है। कलर ब्लैक डाल दीजिए यहाँ पे इस तरह से। अब वो हुआ क्या, एक्चुअली मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर वो दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, तो उसको वो अरेंज ऑर्डर और बैक पार्ट इस तरह से यहाँ पे आए। देखिए मैट्स का हैंडल इस पर क्लिक करें, कोई प्लस करें, एक बार और क्लिक करें, और जो इसका मिड पॉइंट है उसको भी आपको क्या करना है, ताकि यहाँ पे लेके आना, बिल्कुल जो इसका जो मिड पॉइंट है उसको उठा के बिल्कुल टिक करके बिल्कुल आपको वहीं पे लेके जाना है। ग्रीन कलर में शो नहीं हो रहा, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, एक बार और क्लिक करता हूँ थोड़ा सा रोटेट करता हूँ इसको, ब्लैक कलर कर रहा हूँ उसका ऊपर से, और वही ऑरेंज और बॉर्डर और बैक इस तरह से सेट। देखिए थोड़ा सा इसमें देखिए अगर यहाँ पे जो थोड़ा सेटिंग्स में अंतर आ रहा है, इस तरह की सेटिंग्स अगर बनाने के लिए जूम करें तो फिर थोड़ा सा इसमें जूम कर दीजिए, और देखिए सर्किल बनाए हैं इसमें और इस सर्किल को आप कंट्रोल के साथ बनाएं, यानी इसका हाइट एंड विड्थ इक्वल होना चाहिए, जैसे मैं थोड़ी देर और एक बार सिर्फ के साथ मैं सर्किल को सिलेक्ट इसी और कर रहा हूँ, वापस से मैं सर्किल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं सर्किल को सेट करूँ थोड़ा सा तो मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अब मैं क्या करूँगा, एक्चुअली इसको यहाँ से कट कर दूँगा सर्किल को, यहाँ पर एक नया पेज इंसर्ट कर लेता हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने डीजे टूल ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ किया, सेव टूल इसको सेलेक्ट किया, सेव दी मेरी इस तरह से, जैसे कि आप सेव दे सकते हैं जैसे कि आपकी डिले है इस तरह से। और फिर क्या करना है, यहाँ से एक स्मार्ट फिल टूल लीजिए, क्लिक कर दीजिए कोई सा भी कलर, बाकी पार्ट को डिलीट हो जाएंगे, डिलीट कर दीजिए इसको, सेलेक्ट करिए यहाँ से, कट कर दीजिए, वापस अपने मेन पेज पर चल जाइए, टेस्ट कर दीजिए इस तरह से। और फिर कलर्स जो भी सेट्स वगैरह आप लेना चाहें वो आप यहाँ से फाउंटेन पेन से ले सकते हैं, फाउंटेन पेन पर क्लिक करेंगे जो डी एल के हिसाब से ले सकते हैं, कलर्स जैसे अगर आप चाहते हैं क्लिक करें और चाहते हैं यूज कर सकते हैं इस तरह से, आउटलाइन कर दें और यहाँ से आपका ट्रांसमिशन होती है, ट्रांसमिशन के लिए हर कर इस तरह से ब्लैक। इस तरह आप यूज कर सकते हैं, बहुत का इफेक्ट देना चाहें तो और यूज़ कर सकते हैं, वापस एक सर्किल ड्रॉ करें और इस सर्किल को मेन सर्किल के साथ सिंगल करें, इस तरह से सर्किल को बड़ा करें, सबके साथ बड़ा करें, यहाँ तक कर लें,
वापस यहाँ से कट कर दो, नेक्स्ट पेज पे जाएं, पेस्ट करें, नेक्स्ट पेज पे जाके आपको क्या करना है, पेस्ट करना है और प्लस यानी इसका डुप्लीकेट हो गया, हल्का सा एरो की से इस तरह से निकाले इसको, वही कलर स्मार्ट फिल टूल यहाँ से क्लिक करें और बाकी की जो ऑब्जेक्ट है उनको डिलीट करें, इसमें यहाँ से कट करें, वापस अपनी मेन जगह जाएँ, पेस्ट करें, ये पेस्ट हो गया, आउटलाइन चाहे इसको नन कर दें और कलर्स जैसे आपके रिक्वायरमेंट हो यहाँ से लो, वो ट्रांसपेरेंसी टूल है, हल्का सा इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी टूल का इफेक्ट कर दे, इस तरह से ये सारे आपके रिक्वायरमेंट इस तरह से यहाँ पे वापस हैं माउंटेन के लिए उसको रेडियल कर सकते हैं, इस तरह से आप अपने फोन यूज कर सकते हैं, जैसे इच्छा एक दोबारा प्रैक्टिस कर लें, आप बना लेंगे बहुत इजी है, इसमें आप कलर से आप अपने फोन चेंजेस करके उसको और भी अच्छा बना सकते हैं, डिपेंड है बार बार प्रैक्टिस करिए और बहुत अच्छा बन सकता है इसमें। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और लोगों को बताएं, और कोलो से रिलेटेड सारी एक्सरसाइज सारे कमांड सारे वीडियोज आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। ओके थैंक यू, बाय बाय।